नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की हेडलाइंस और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक जीओवी न्यूज का सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जीओवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बने छोटे से नन्हे से प्यारे से बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। डिवीज लैब के चेयरमैन मुरली को 58.80 करोड़ रुपए वेतन और कमीशन। दवा उद्योग में यह सर्वाधिक। कंपनी ने इस वित्त वर्ष में कार्यकारी निदेशक एनवी रमन को 30 करोड़ रुपए और मुरली डीवी के बेटे और पूर्णकालिक निदेशक किरण एस डीवी को 20 करोड़ रुपए मेहनताने के रूप में दिए हैं। ईद से पहले घर घर जरूरी सामान पहुँचाने में जुटा प्रशासन। स्टॉक में है 2 महीने का राशन। अनुच्छेद 370 के हटने के दौरान जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ तनाव का माहौल धीरे धीरे अब सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सिविल प्रशासन ने बताया है कि कश्मीर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 3,697 राशन घाटों में से 3,557 इस वक्त काम कर रहे हैं। चीनी नेताओं के साथ अहम वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे जयशंकर। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े हुए तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को पेचिंग पहुंचे। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी पहुंचे थे। कश्मीर पर नहीं मिला किसी का साथ तो ट्विटर पर गिड़गिड़ाने लगे इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब ट्विटर पर गिड़गिड़ाने की मुद्रा में आ गए हैं। इमरान खान ने ट्विटर पर भारत के खिलाफ झूठे आरोपों की बौछार कर दी है और कहा है कि क्या दुनिया के नेता इस बारे में कोई कदम नहीं उठाएंगे। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर में कर्फ्यू है और वहां पर कश्मीरियों के साथ ज्यादती की जा रही है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को किसी भी देश में तवज्जो नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर गए थे और चीन से जम्मू कश्मीर पर मदद मांग रहे थे, लेकिन वहां भी पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी है। चारों ओर से निराश हाथ लगते ही देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ट्विटर पर अब गिड़गिड़ा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर में कर्फ्यू है और वहाँ पर कश्मीरियों के साथ ज्यादती की जा रही है। इमरान खान ने दुनिया के सामने गुहार लगाते हुए कहा है कि क्या वर्ल्ड लीडर्स इस मामले में कुछ पहल करेंगे। इमरान खान का आरोप है कि कश्मीर की आबादी का पैटर्न बदलने की कोशिश की जा रही है और कश्मीरियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हुए इमरान खान ने संघ पर हमला किया और कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर में आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। आपको बता दें कि इमरान खान के आरोपों से इतर जम्मू कश्मीर में हालत तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर में शनिवार और रविवार बकरीद की जमकर खरीदारी हुई। राज्य में लोग बकरीद परंपरागत हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन कई कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार का दावा है कि LOC की ओर बढ़ रही है पाकिस्तान की सेना। हामिद मीर पाकिस्तान के पत्रकार हैं। हामिद मीर का दावा है कि पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट पिछली रात से हो रही है। उन्होंने कहा है कि POK में लोग पाकिस्तान की सेना का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि हामिद मीर के इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। भारी हथियारों से लैस पाकिस्तान की सेना लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर बढ़ रही है, ये दावा किया है पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने। हामिद मीर पत्रकार ने ट्वीट करके कहा है कि उन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में कई दोस्तों ने फोन करके ये बताया है कि साजो सामान से लैस पाकिस्तान की सेना LOC की ओर बढ़ रही है। धारा 370 पर फैसले से मोदी शाह के फैन हुए रजनीकांत, बताया कृष्ण और अर्जुन। सुपरस्टार रजनीकांत भारतीय राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और मौके मौके पर इस बारे में अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। नेशनल अवार्ड जीतकर भी अनजान 8 साल का हामिद, कश्मीर के हालात बने इसकी वजह। फिल्म हामिद में लीड रोल निभाने वाले चाइल्ड एक्टर तलहा अरशद रैशी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन कश्मीर के रहने वाले 8 साल के तलहा को शायद ही
उनके मिले इस सम्मान के बारे में पता होगा। बिल पेश करते वक्त अमित शाह के मन में था डर, खुद उन्होंने ही किया इसका खुलासा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले बिल को पेश करने के दौरान उनके मन में डर। अमित शाह ने कहा है कि बतौर गृह मंत्री उनके मन में इस बात को लेकर शंका नहीं था कि जम्मू कश्मीर से संविधान का ये प्रावधान खत्म होना चाहिए या नहीं। चेन्नई में एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा है कि इस बिल को पेश करते वक्त उनके मन में आशंका थी कि जब वे इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे तो क्या राज्यसभा चलेगी कैसे। चेन्नई में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की जिंदगी पर एक किताब लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग का विमोचन करते हुए अमित शाह ने कहा, आंध्र प्रदेश के विभाजन का दृश्य आज भी देश की जनता के सामने है। मुझे मन में थोड़ा आशंका होती थी कि कहीं ऐसे दृश्य का हिस्सेदार मैं भी तो नहीं बनूंगा। यही भाव के साथ, यही डर के साथ मैं राज्यसभा में खड़ा हुआ। वेंकैया जी की कुशलता का ही परिणाम है कि सभी विपक्ष के मित्रों को सुनते सुनते इस बिल को डिवीजन तक कहीं भी कोई दृश्य खड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण देश की जनता को ये लगे कि उच्च सदन की गरिमा नीचे आई है। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि राज्यसभा में हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, फिर भी मैंने तय किया था कि बिल पहले हम राज्यसभा में लेकर के जाएंगे, उसके बाद लोकसभा में ले जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि इस बिल को होने के नाते उन्हें पुख्ता यकीन है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। गृह मंत्री के नाते उनके दिमाग में इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं था कि इस प्रावधान को हटाने के क्या संभावित नतीजे हो सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अब कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा और कश्मीर विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये विधि का ही विधान है जो बाल वेंकैया नायडू ने 370 के खिलाफ आंदोलन किया था, और जब अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव आया तब वेंकैया जी राज्यसभा के चेयरमैन के नाते उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। अमित शाह ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार एक कम्युनिस्ट प्रोफेसर ने वेंकैया नायडू से पूछा कि आपने कश्मीर कभी देखा है क्या, कश्मीर नहीं देखा तो क्यों आंदोलन करते हो। वेंकैया जी ने जवाब दिया है कि एक आंख दूसरी आंख को दिखाई नहीं देती, एक आंख में दर्द होता है तो दूसरी आंख को तुरंत ये महसूस हो जाता है। कश्मीर में ईद की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़े लोग। बकरीद 12 अगस्त को है, इससे पहले घाटी के में माहौल पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तनाव की स्थिति के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर से जहां धारा 144 हटा ली गई, वहीं कश्मीर में कुछ जगहों पर इसमें ढील दे दी गई थी। बकरीद को देखते हुए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। प्रशासन की ओर से घरों पर LPG और सब्जियां भेजी जा रही हैं। छुट्टी के दिन घाटी में बैंक और करीब 3557 राशन की दुकानें खुली रहेंगी। धारा 370 पर बने भोजपुरी गाने वायरल, जिसका नाम है ले लेबे जम्मू कश्मीर में जमीन। भोजपुरी सिनेमा में देश में चल रही हर बड़े बदलाव की झलक कई बार देखने को मिलती है। हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का बिल पेश किया तो भोजपुरी सिनेमा में मोदी सरकार की तारीफ के लिए कई गाने रिलीज कर दिए गए। भोजपुरी सिनेमा में हर बड़े बदलाव की झलक दिखाई देती है। YouTube पर भोजपुरी गाने सर्च करने पर कई सारे नए गाने सामने आ रहे हैं। इन गानों में भोजपुरी के जाने माने सिंगर और एक्टर्स के गाने हैं जो धारा 370 पर हटने पर बने हैं। इन गानों में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की गई है। इन गानों को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं और गानों को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। भोजपुरी गाना हट गर्ल धारा 370, इस गाने को शैलेश शर्मा ने गाया है, इसे सुगन शर्मा ने लिखा है। आर्टिकल 370 के हटाने पर भोजपुरी सिंगर राजीव राजधानी ने बधाई गीत गाया है। यह भी गाना काफ़ी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कश्मीर में जमीन लेने की प्लानिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है।
इस मामले में एक भोजपुरी गाना सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। इस गाने के बोल हैं, ले ले बे जम्मू कश्मीर में जमीन। गाने को गुंजन सिंह और अंजलि भारद्वाज ने गाया है। बता दें कि सोमवार 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सुनाया था। इस बार में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा है कि एक सांसद होने के नाते उन्हें ये पुख्ता यकीन नहीं है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में पहले ही खत्म होना जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर राजकुमारी दिया सिंह का दावा, हम राजा राम के बेटे कुश के वंशज हैं। अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या राम का कोई वंशज है। इस जवाब में राम जन्मभूमि की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इसकी बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अयोध्या विवाद में अब जयपुर राजघराना भी पार्टी बनेगा।